press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजी लाई खान जी, और ये दोनों बात करेंगी कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 10,000 से भी ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्यों रहे ये मुसलमान, ऐसा कर क्यों रहे? बहुत बहुत अजीब सी बात है मेरे लिए ये कि इंडियन मुस्लिम्स इस तरह का बिहेवियर क्यों है। क्योंकि वो जिहाद के नाम पर वो तो हिंदू महिलाओं के लिए तो उनका पैंट का जिप खुला ही रहता है ना, तभी ना उनको 72 वर्जिन हूर मिलेगी जन्नत में। वो तो जब जब जन्नत में जाएंगे तब जाएंगे, इधर तो सजा मिलनी चाहिए ना, यहाँ तो अरेस्ट होना चाहिए। चाहे उनको वहां की गवर्नमेंट या जो भी कह लीजिए वो सपोर्ट भी कर रही हो, फिर भी जो है वो एक क्राइम किया है तो क्राइम पे सजा तो होनी चाहिए। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, केंद्र की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार ने, मैंने आपको बताया ही कि कितने कमीशन को भेजा है, फिर उन्होंने SC ST चेयरमैन अरुण हल्दर जी को भेजा, जिन्होंने आर्टिकल 338 के हिसाब से कंपनसेशन की बात कही। उसके बाद फिर SC ST चेयरपर्सन जो महिला है वो वहां पर पहुंची संदेश खाली में, उन्होंने सेक्शन 154 के तहत अंडर सेक्शन 376 और 376D के द्वारा वहां पर FIR करवाया। तो ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे हैं, हमें एंटर करने के लिए भी, संदेश खाली के अंदर एंटर करने के लिए भी हमें कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ा। और इतने दिन में हम जो जा रहे थे 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, हम मार खा के आ रहे थे, हम में से कोई बच के आ रहा था और कोई हॉस्पिटल के बेड पर था। ये हालात है। अब देखिए, नासर खान ने बलात्कार किया, जब वो 10 साल के बाद रेमेशन ग्राउंड पर बाहर आया, उसने 5-स्टार होटल में अपनी करोड़ों रुपए खर्च करके उसने अपनी मुसलमान लड़की से शादी की। तो ये जो मुसलमान लड़कियां जो होती हैं, ये कम आवारा थोड़ी होती हैं, ये कम वहशी और डायबॉलिक माइंड इनका कम थोड़ी होता है। आप मुझे बताएं आरजू जी, आप तो पाकिस्तान में बैठी हैं, आपके यहाँ तो हर वक्त आतंकी हमला होता रहता है, बम बूम होता रहता है, क्या आपके पाकिस्तान में कोई बाप ये गवारा करेगा कि 10 साल जेल खटा हुआ आरोपी बलात्कारी से अपनी बेटी मुसलमान बेटी का शादी करा दे? लेकिन हमारे भारत में होता है, हमारे भारत में मुसलमान बेटियां इतनी नीचे गिर चुकी हैं कि बलात्कारी से भी निकाह पड़ती हैं, क्योंकि उसने जिहाद के नाम पर क्रिश्चियन और हिंदू बेटियों का बलात्कार किया है, इसलिए ये कर रही है मुसलमान बेटियां हमारे भारत में। ऐसे लोगों को तो चौक पे लटका देना चाहिए जिन्होंने इस तरह से रेप किया हो लोगों का या लड़कियों का, औरतों का, उनको तो बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। अब इस वक्त जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, नहीं 10,000 केसेस नाजिया, 10,000 केसेस बहुत है। आपको कट करना पड़ेगा, मैं अच्छी तरह बैठ गई हूं। नहीं सो गए। 10,000 केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 10,000 केसेस तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा कि कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे सजा दी जाए। तब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, 10,000 केसेस बहुत होते हैं किसी के साथ ये जुल्म होने के लिए। देखिए आरजू जी, मैं इसको बहुत आपको अच्छे से बता देना चाहती हूँ। पिछले 8-9 साल से हम लोग अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में कई नेता मंत्री हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के अंदर है। तीन हिस्सा नेता मंत्री तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार के, ममता बंदोपाध्याय की सरकार के, तीन हिस्सा नेता मंत्री जेल के हिरासत में, ठीक है। अब आती है बात कि जब भी हम आवाज उठाते हैं या जनता जब आवाज उठाती है तो उनके ऊपर ही FIR हो जाता है, उनको ही जेल में भर दिया जाता है। फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, और ना ही CBI और ED नहीं पीछे हट रही है। ED के ऑफिसर को मारा जाता है, CBI के ऑफिसर को मुजरिमों की तरह घसीट करके लॉकअप कराया जाता है। जो जिन जिन महिलाओं का, क्रिश्चियन का, यहूदी का, या और खास करके हिंदू महिलाओं को टारगेट कर करके, पकड़ पकड़ करके जिहाद के नाम पर बलात्कार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अब तक हम चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अब तक आपको मैं बताती चलूं
कि सिर्फ शेख शाहजहां इस एक शाहजहां था मुगल पीरियड में और एक शाहजहां है ममता पीरियड में, ये सिर्फ ईडी राशन स्कैम नहीं किया है, इसके पास 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। उसके बाद फिर महिलाओं का मास महिलाओं का रेप किया, और करता क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने लोगों को भेजता था घरों में, ग्राम घरों में, और वहां पर जो बच्चियां बहुत कम एज की होती थी, गोरी होती थी, पतली दुबली होती थी, उनको कंधे पे उठा करके पार्टी ऑफिस ले जाया जाता था और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाता था, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता था जब तक उसका मन ना भर जाए। अब महिलाएं जो है वहां पर की आवाज उठाती थी, पर जैसे ही आवाज उठाती थी फेक और फैब्रिकेट FIR करके, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का नेता, तो 2021 में फराद हकीम ने बोल ही दिया था कि कोलकाता जो है वो मिनी पाकिस्तान है, तो मिनी जैसे पाकिस्तान में आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है, वैसे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है पश्चिम बंगाल में। नहीं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर चलता ही नहीं, इस तरह के केसेस पाकिस्तान में नहीं होते। मैं उसको भी अभी डिटेल में आपको बयान कर दे रही हूँ। तो उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर यहाँ चल नहीं रहा है। अब एक एक महिला ने आवाज उठाई, उसके घर के जो पुरुष हैं वो जेल की हिरासत में चले गए। दूसरी महिला ने आवाज उठाई संदेश खाली की, उसके घर में जो बूढ़ा बाप है, बेटा है, हस्बैंड है, वो जेल की हिरासत में चला गया और वो नहीं निकल रहा है, वो नहीं निकल, उसका बेल भी नहीं हो रहा है। तो अब ये शेख शाहजहां किया लैंड ग्रैब करना स्टार्ट किया गरीब लोगों का, जो चाश के लिए वो लोग जो पुकुर बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, जिसमें मच्छियां चाश करते हैं, जिसपे गेहूं के फसल उगाते हैं, आलू के फसल उगाते हैं, उसको इन्होंने ग्रैप करना स्टार्ट किया। ग्रैप करते करते 200 एकड़ से 2000 एकड़ उसने बना लिया ग्रैप करके। तो ये लैंड ग्रैपर भी था, मीठे पानी की चोरी भी करवाता था, मीठा पानी बेचता था और खारा पानी वहां पर एंटर करवा चुका था। अभी तो आज सुबह में पता चला है कि NIA की टीम भी संदेश खाली में एंटर कर रही है, क्योंकि वो लोग बम असला बारूद का भी कारोबार कर रहे थे। उसके बाद फिर आप देखो अटेम्प्ट टू मर्डर के कितने कितने चार्जेस ऑलरेडी शेख शाहजहां और उनके लोगों पर है। इवन जिन महिला का मैंने टिकटॉक रानी का आपको वीडियो दिखाया है, ये टिकटॉक रानी के ऊपर भी ईडी के चार्जेस हैं। इन्होंने सीनियर सिटीजन को से करोड़ों अरबों रुपए चिटिंग करके रखा है और ये भागी भागी फिर रही है और अभी भी भारत में नहीं है, बाहर गई हुई है, इंडिया से बाहर है, इनके ऊपर भी ईडी के चार्जेस है। अब क्या है कि अब ये थ्रेट कर रहे हैं और इनके पुलिस थ्रेट कर रहे हैं ममता बनर्जी के, ममता बंदोपाध्याय के, रात में जा करके लोगों को, उन महिलाओं को जो आ करके सामने में खड़ी हुई हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके बूढ़े बुजुर्ग बाप को पिता को उठा करके लेके जाया जा रहा है कि सारे बयान वापस लो, अगर बयान वापस नहीं लोगी तो जिंदा नहीं बचोगी। ये कौन कर रहा है? ये पुलिस कर रहा है। अब मीडिया का अटेंशन ज्यादा हो गया, मीडिया हाईलाइट कर दी है, तो मैंने आपको आपकी आंखों से दिखा दिया कि मीडिया को किस तरह से घसीट करके, बेइज्जत करके, एक आरोपी की तरह बेइज्जत करके उसको लेकर के जेल में बंद करा दिया गया। आज उसको 2 दिन का PC मिला। पश्चिम बंगाल में बलात्कारी, नासिर खान जैसा बलात्कारी, बड़े बड़े मुसलमान मंत्रियों के गोद में बैठता है घर जमाई बंद करके, और हम जैसे लोगों को जेल भेजने की पूरी तैयारी की जाती है। अब मैं आपके पाकिस्तान पर आती हूँ। 2016 से लेकर के 2023 तक में कितनी मस्जिदों में बम फूटा, मेरे पास डेटा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2022 में एक पिता ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, वो कोर्ट में जाकर के खड़ा होकर के कह रहा है आपके पाकिस्तान में कोई बात नहीं, हम निकाह कर लेंगे बेटी के साथ, निकाह कर लेंगे। नहीं, वो गलत है, इस तरह के कुछ केसेस है, लेकिन ये जो 10,000 केसेस को तो मैं कह रही हूँ इस किस्म का नहीं हुआ, लेकिन अब इसका हल क्या है? अब क्या होगा जब वो लोग कोई सुन ही नहीं रहे, किसी को आपको भी नहीं आने दे रहे, किसी को नहीं आने दे रहे, इनको सजा कैसे होगी? नहीं देखिए, जैसे 21% माइनॉरिटी से आपके पाकिस्तान में 1% माइनॉरिटी किया गया, 1288 मंदिरों से 22 मंदिरें कर दी गई आपके पाकिस्तान में, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय की सरकार के द्वारा यहाँ के 68% हिंदुओं को कम करके 1% करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हमने बहुत सख्त करने की कोशिश की है। सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी गुहार चली गई और आज हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से फटकार लगाया है ममता बंदोपाध्याय की सरकार को,
वो अपने आप में एक नजीर पेश हुआ है और हाई कोर्ट ने साफ लफ्ज में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने कहा है कि शेख शाहजहां को पकड़ने में पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तरह से डिसेबिलिटी दिखा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ निर्णय लेना पड़े। सुओ मोटो के केस हुए हैं और जितने भी मीडिया हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो कमीशन है, अब वहां पर आराम से कोर्ट की अनुमति के द्वारा वहां पर जा सकती है। तो धीरे धीरे हम उसको सॉल्व करने की, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और मुझे पता है कि महिलाओं की बात आई है, महिलाओं के मान सम्मान की बात आई है, तो मोदी जी जरूर आएंगे संदेश खाली को देखने के लिए वहां की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मोदी जी के बारे में न्यूज है, मैंने देखा, चेक किया मैंने, आई थिंक किसी इंडियन न्यूज पेपर ने लगाया कि मोदी जी विजिट करेंगे, जो कि बहुत एक अफसोस की बात है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये कि यकीनन इसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मातरम भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ हिंदू महिलाओं के साथ, स्पेशली टारगेट करके हमारी हिंदू बहनें और माताओं के साथ बलात्कार किया गया, जहां पे खुद पश्चिम बंगाल का एमएलए ये कहता है कि पश्चिम बंगाल जो है वो मिनी पाकिस्तान है। और आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने कैसे इस शेख शाहजहां की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।